हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से इस लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन होती है चार्ज की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in a electromagnetic field. इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो क्या फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द चार्ज। चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस करने के दो टाइप हो सकते हैं, या तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है या वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, यदि आप सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं। कूलम्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, जो समान चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से को रिपेल करते हैं। मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज को यदि आप पास में लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, यदि हम किन्हीं दो अनलाइक चार्जेस को, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को पास में लाएंगे तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इस डायग्राम में हम देख लें तो यदि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, यदि आप उन्हें पास में लाओगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और यदि आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस पास में आएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, सेकंड हम ये देखना चाहते हैं कि सर्किट में करंट किस तरीके से फ्लो होता है, बट उसके पहले हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि कोई भी एटम, जैसे हमने फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी एटम जो है वो इन तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट जो इसकी शेल्स होती है, आउटर शेल्स, ये ब्लू और आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यदि हम किसी भी एटम की बात करें तो उसमें शेल इस तरीके से होती है, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबका अपना एटॉमिक नंबर होता है। मान लो यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस लिया है, इसका एटॉमिक नंबर मान लो 29 है, तो 29 इसका एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में इसके दो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, देन फिर थर्ड ऑर्बिट में इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस तरीके से लास्ट ऑर्बिट में इसका केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इस मैटर के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट कर सकता है, और वी कैन से दैट इट हैज अ वन इलेक्ट्रॉन की इसके पास वैलेंसी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जिसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको कि वो बाहर डोनेट कर सकता है, वो उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जिसके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो उतना कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है। तो हम यदि इसी बेसिस पे करंट को डिफाइन करें तो वॉट इज करंट? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट, और वी कैन से करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो होते हैं? हम जानते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो हर मैटर का, हर मटेरियल का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी की वजह से उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन मटेरियल्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से इजीली फ्लो होने देते हैं।
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दे के नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, तो वो मटेरियल्स आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। कुछ हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जिनके की लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, यदि आप उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दो तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि तीन टाइप हैं, तो करंट हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल्स में ही फ्लो होता है। ये देखिए, जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, यूजुअली हम कॉपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यही इलेक्ट्रॉन्स जिसको कि हम चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम फॉर्मूले के टर्म्स में देखें तो इट्स अ चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स क्यू इज द चार्ज, और पर यूनिट टाइम में वो जितना जिस रेट से फ्लो हो पा रहा है। करंट को हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर्स, जिसको कि शॉर्ट में हम ए लिखते हैं या ए एम पी भी लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज? तो वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यहाँ इस सेंटेंस को कहने का मतलब ये है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, तो जब हम उनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसको कि हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको हम कहेंगे फोर्स, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, वही फोर्स आपका वोल्टेज कहलाता है। मीन्स वोल्टेज इज द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यदि हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर है, हम जानते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन और हम अभी डेफिनेशन भी पढ़ी हमने करंट की कि व्हाट इज करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फ्लो करा सकते हैं। अब उन्हें फ्लो कराने के लिए आपको एक पार्टिकुलर फोर्स चाहिए होगा, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तभी करंट फ्लो होगा, है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल में, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड द वोल्टेज। और वोल्टेज जो है, यदि हम इसकी जो हमने आज तक डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं, वो हम ये पढ़ते हैं कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वर्क प्लेस इज कॉल्ड द वोल्टेज। बट यहाँ मैं आपको बताऊंगी, वोल्टेज जो है वो एक फोर्स है, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में फ्लो कराने के लिए, दैट इज फोर्स, जिसको कि हम ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यदि आपने इसको आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स इज कॉल्ड द वोल्टेज। अब वोल्टेज जो है वो आपका किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज होता है, ऐसा नहीं, मतलब वोल्टेज को जब हम मेजर करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं, वोल्टेज किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ही होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो वोल्टेज कह ले या वोल्टेज डिफरेंस कह ले, पोटेंशियल कह ले या पोटेंशियल डिफरेंस कह ले, ये सभी आपकी सिमिलर चीज है। ठीक है, मतलब यदि आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का ही वोल्टेज मेजर करेंगे। और करंट की बात हम करें तो करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होता है, जिसके पास ज़्यादा वोल्टेज है वही उसको फ्लो करा सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं
करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. यदि दो पॉइंट सिमिलर पोटेंशियल पर हो जाए तो उनके बीच में कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट. वोल्टेज को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं. एंड यदि हम इसकी इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको लिखें तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द वोल्टेज. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी पावर. व्हाट इज पावर? सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क को करने का जो रेट है वो हम पावर की टर्म्स में देते हैं. इन अदर वर्ड्स आई कैन से पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में आपने जितना काम कर पाए वही आपकी पावर है. तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स. इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करें तो उसको हम वॉट्स में मेजर करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गिव द यूनिट ऑफ पावर इन जूल्स पर सेकेंड. पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट भी होता है. पी इज इक्वल टू वी इंटू आई. दिस इज द पावर ट्राइंगल. इसको हम ट्राइंगल से भी समझ सकते हैं तीनों चीजों को. W ऊपर लिखा हुआ है, नीचे P और T लिखा है. तो यदि हम W अपॉन P करें तो इट इज इक्वल टू टाइम, और यदि हम W अपॉन T करें तो इट इज इक्वल टू पावर. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? सो यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं. एनर्जी कई टाइप्स की होती है. मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, विंड एनर्जी भी होती है, सोलार एनर्जी भी होती है. देर आर मेनी काइंड ऑफ एनर्जीज, बट हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी कैरीड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स देख लिया, इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है. हमने ये देख लिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट. हमने ये देख लिया कि जिस फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वोल्टेज. बट एक मूविंग इलेक्ट्रॉन अपने अंदर जो एनर्जी कैरी करके चलता है वही मिलकर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. एंड एनर्जी कैन बी गिवन बाय पी इंटू टी. पी इज द पावर, टी इज द टाइम. P को यदि मैं V लिख दूं, V इंटू आई लिख दूं, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी. सो वी आई टी इज द एनर्जी एंड द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल्स. अब हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में देख लें. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ये डायग्राम से मैंने शो किया है. सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर में आपने वोल्टेज भी प्रोवाइड किया है जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है. लेकिन करंट को फ्लो होने में जो हिंड्रेंस ऑफर हो रहा है या जो उसको तकलीफ हो रही है आगे फ्लो होने में वो रेजिस्टेंस कहलाता है. एंड वॉट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट रेजिस्ट द करंट टू फ्लो इन द कंडक्टर. मीन्स ये रेजिस्टेंस का सिंबॉल है. रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से शो करते हैं zigzag फॉर्म में. और रेजिस्टेंस कैन बी गिवन इन फॉर्मूला फॉर्म. यदि आप इसको लिखोगे तो इट इज इक्वल टू, वैसे हम लिखते हैं R इज इक्वल टू आपका होता है रेजिस्टेंस इज प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर. बट मीन्स वॉट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि वोल्टेज या करंट की वजह से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है. कोई भी, जैसे मैं बात करूं कॉपर कंडक्टर की, तो कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है. लेकिन यदि मैं बात करूं आपके वुड की या रबर की, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. ये अपने में से करंट को फ्लो ही नहीं होने देते. तो
हम करंट फ्लो कराने के लिए उन मटेरियल्स का यूज करते हैं जो अपने में से करंट को इजीली पास होने दें, बट उसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। बट कॉपर कंडक्टर का रिलेटिवली कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम यूजुअली इलेक्ट्रिक वायरिंग में या सर्किट्स में कॉपर कंडक्टर्स का ही यूज करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है या जो हिंड्रेंस या जो बाधाएं होती है वो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहलाती है। एंड इट इज डिपेंड्स, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है और उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। रो, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, इसको हम ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्किट का इंडक्टर। व्हाट इज इंडक्टर? अब यदि हम एक सिंपल कंडक्टर को इस तरीके से कॉइल फॉर्मेट में कर दें, इस तरीके से इसको कॉइल फॉर्मेट में कर दें, तो ये इंडक्टर कहलाता है। मींस अब क्या हुआ, ये कंडक्टर था हमारा, कंडक्टर का हमने ऐसे राउंड करके इसको एक कॉइल फॉर्म में कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मान लो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जो है इस पूरी कॉइल में फ्लो हो रहा है। तो ये बात याद रखिए कि तो यदि मैं इसमें करंट फ्लो कराऊं, यदि मैं इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराऊं, तो करंट यहां से चला, इस पूरी कॉइल में धीरे धीरे फ्लो हुआ और यहां से बाहर निकल गया। ओके, तो होता क्या है, जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जब भी, क्यों? क्योंकि ये करंट कैरी कर रहा है, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। अब चूंकि ये एक कंडक्टर है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, दूसरा कंडक्टर इसके बगल में, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। तो इस तरीके से कॉइल के हर कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या करेगी, लिंक करेगी, एक दूसरे से इनका आपस में इंट्रैक्शन होगा, जिससे एक एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप कर लेगी। इसलिए यदि हम इंडक्टर की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को अपने में स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दिस इज कॉल्ड द इंडक्टर। एंड ये चूंकि कॉइल फॉर्मेट में है, इसलिए इसका सिंबल जो है इस कॉइल के तरह होता है। ये आयरन, हम यूजुअली इंडक्टर को एक आयरन कोर के ऊपर ही हमेशा वाउंड करते हैं, इसलिए इसका सिंबल है। इफ कॉइल के साथ ये दो पैरेलल प्लेट से, इट मींस ये कॉइल जो है वो एक कोर के ऊपर वाउंडेड है। अब यदि हम इंडक्टेंस की बात करें, जैसे हमने कहा ये तो हो गया इंडक्टर, बट एक टर्म इसमें हम और डिफाइन करते हैं, दैट इज इंडक्टेंस। सो व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये भी एक मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब कि ये दो चीजों का अपोज करता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, अपने में से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। बट इंडक्टर जो है वो दो चीजों का अपोज करता है, एक तो चेंज इन मैग्नीट्यूड का वो अपोज करता है, और दूसरा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। मतलब कि यदि आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं और आपने अचानक से करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, इट मींस वो इस चेंज इन डायरेक्शन का अपोज करेगा। वो अपने में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को एकदम से या क्विकली चेंज नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम टू चेंज इट्स डायरेक्शन। सो ये इस चीज का अपोज, जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की जो इस चीज का अपोज कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टेंस। या दूसरा, इसमें फ्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड में होने वाले चेंज को ये अपोज करेगा। मतलब यदि आप मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर्स का करंट फ्लो करा रहे थे और आपने अचानक से इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया, तो एकदम से वो अपने में से 5 को फ्लो नहीं होने देगा, इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर दैट 5 एम्पियर उसमें फ्लो होने लगेगा।
तो ये इस मैग्नीट्यूड चेंज का अपोज करता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम उसकी इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस को हम हेनरी में मेजर करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सर्किट। कैपेसिटर को हम इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट के फॉर्म में शो करते हैं और कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टोर करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया, इंडक्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करते हैं। तो द कैपेबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस और अ डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर को कैपेसिटेंस को हम C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर वोल्ट, एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। फेरेड में हम इसको मेजर करते हैं और F से डिनोट करते हैं, एंड Q इज इक्वल टू, इसी को आप लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू सी वी और V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो किसी भी फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हो। So that's it for the first lecture. In next lecture, we will discuss some more important definition of the circuit. Thank you.